रियाज किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अरबी के पत्ते। हम अरबी के पत्तों का सालन बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक किसी भी पहुंच जाए और आप मेरी आने वाली न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। तो अरबी के पत्ते बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले हमें बेसन रिक्वायर्ड होगा। हम बेसन रेडी करके रखते हैं ताकि वो सेट हो जाए और उसके बाद जो है वो हम अरबी के पत्तों की कटिंग स्टार्ट करेंगे। बेसन यहाँ पर हमारे पास है 100 ग्राम, जिसको मैंने छान लिया है। यहाँ पर ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास कोरिएंडर है क्रश, ठीक है, कुटा हुआ धनिया है ये मेरे पास, 1 टीस्पून है जिंजर गार्लिक का पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर, 1 पिंच है यानी कि 1 चुटकी जो है मेरे पास अजवाइन का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून है मेरे पास वो गरम मसाला पाउडर है। तो हम इन तमाम ड्राई जो हमारे पास स्पाइसेस हैं इनको बेसन में ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो हमें पानी जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसके अंदर इतना पानी जो है वो डालकर इसको डो बना लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, ठीक है, जितना हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं बैटर उसे थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि हमने इसकी जो है वो कोटिंग करनी है। और मैं आपको जो है वो अरबी के पत्ते 2 तरीकों से बनाना बताऊँगी, तो आपको जो ईजी लगे आप उससे जो है वो अपनी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट हमने जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसको थिक सा जो है ना वो बैटर बनाएंगे। पानी एकदम ऐड नहीं करना, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको इस तरह से मिक्स करते रहना और इसका बैटर जो है वो हमने रेडी करना है। तो देखें बैटर हमने रेडी कर लिया, ठीक है, और इसकी थिकनेस चेक कर ली हमने, इसको इतना ही थिक रखना है क्योंकि हमने जो है उसको कोट करना है अरबी के पत्तों के ऊपर, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और ज़्यादा थिन भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो 1 गिलास हमने पानी लिया था, उसके अंदर से जो है वो हमारा थोड़ा सा पानी बच गया है, तो हमने अब बैटर रेडी कर लिया है। अब हम अरबी के पत्तों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है अरबी के पत्ते, ठीक है, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, उसके बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया है, ठीक है, किचन टॉवल से। तो आपने भी इसी तरह पहले इनको अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद इनको ड्राई कर लेना है। और अब हमने क्या करना है कि जो इनकी हार्ड स्किन है इसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है, ये देखें इस तरह से, ये बस जहाँ तक हार्ड होगी हमने इसको जो है वो रिमूव करना है इस तरह से, तो बस ये देखें ये रिमूव हो गई है। तो बस अब हमने इसकी इसी तरह इसको रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है हमने बस सिर्फ इनकी ये हार्ड जो है ये पीछे से वेंस ये हमने इनकी रिमूव करनी है। हम अरबी के पत्ते 2 तरीके से बनाएंगे, तो अब मैं आपको पहला तरीका बता देती हूँ कि हमने पहले तरीके से अरबी के पत्ते किस तरह रेडी करने हैं। पहले मेथड में हमने अरबी के पत्ते के ऊपर जो हमने बेसन रेडी करके रखा है उसको अच्छे से कोट करना है इस तरह से, सारे अरबी के पत्ते के ऊपर हम जो है वो इसको इस तरह से फैलाएंगे, ये देखें ऐसे, और हम इसी तरह सारे के ऊपर अब इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो देखें हमने इसको अच्छे से कोट कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर दूसरा अरबी का पत्ता प्लेस करना है और उसको भी हमने इसी तरह कोट कर लेना है, ये देखें ऐसे। अब इसके ऊपर भी हमें इसी तरह बेसन कोट करना है अच्छे से, फिर देखें हमने दूसरे के ऊपर भी कोट कर लिया, और इसी तरह मैं इसके ऊपर जो है वो बाकी 4 और जो है वो अरबी के पत्ते इसी तरह प्लेस कर लूँगी, ठीक है। मेरे पास बड़े साइज के 12 हैं, तो मैंने 6 जो है वो एक तरीके से बनाना बताऊँगी, 6 जो है वो दूसरे तरीके से, तो 2 मैंने इसके ऊपर कर लिए हैं, ठीक है प्लेस। अब मैं इसके ऊपर 4 मजीद करूँगी और इसके बाद जो है वो इसको बताऊँगी कि हमने इसकी शेप कैसे सेट करनी है। अगर हमारे पास जो है वो अरबी के पत्ते सेम साइज़ के नहीं हैं, वैसे ये होते भी नहीं हैं सेम साइज़ में, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो जो सबसे बड़े साइज़ को आपने उसको इसी तरह से उसके ऊपर लेप करना है, ठीक है, बेसन का, और उसके बाद जो छोटे वाले पत्ते हैं वो उसके इर्द गिर्द रख देने, ठीक है, और बाकी जो है वो खुद ज़्यादा ही छोटा उनका साइज़ तो उनको इस तरह पीसीज में हमने कट करना है, और हमने इस तरह से खुद से जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे इस तरह से इनको ऐसे प्लेस कर देना है, ठीक है, इस तरह से, ये देखें, ठीक है। और अब हम इनके ऊपर जो है वो बेसन की कोटिंग कर देंगे,
कोटिंग कंप्लीट कर ली हमने इनकी, और अब हमने इनको जो है वो फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए हमने जो है वो इनको एक डिफाइन शेप देनी है, ये देखें इस तरह से। सबको जो है वो इकट्ठे ही फोल्ड करना है, ये देखें। तो बस अब हमने क्या करना है, फेस को इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो हमारी प्लेसेस हैं अब इन पर भी हमने जो है वो बेसन कोट करना है। हमने इन पर बेसन कोट कर लिया, इन पर हमने ज़्यादा नहीं कोट करना, बस इन पर नॉर्मल सी हमने कोटिंग करनी है, ठीक है। और अब हमने इनको इस तरह से रोल करना है, ये देखें इस तरह से। और बस अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे, और अब मैं आपके साथ जो है वो दूसरा मेथड इसका शेयर करती हूँ। अब दूसरे मेथड में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सभी के पत्ते की वेंस, तो हमने सबकी रिमूव कर दी जो हार्ड वेंस थी, ठीक है। उसके बाद अब बस हमने इसको क्या करना है, पालक स्टाइल में जो है वो कट कर लेंगे। बस हम इसको इसी तरह पालक की तरह रोल कर लेंगे सबको इकट्ठा करके, और इसको जो है आप वो इस तरह बहुत बारीक बारीक सा काट लेंगे, ठीक है। सारों को इसी तरह हमने देखें इतने बारीक बारीक ही कट करना है। कटिंग कर ली है हमने, ठीक है। अब जो हमारे पास बैटर बचा था बेसन का, तो उसको मिक्स कर देंगे उसके अंदर डालकर। सारों को बस हम इसके अंदर ऐड करके और सिंपली जो है हम मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमने जो है वो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ठीक है, ग्रीस कर लेना है हैंड्स को, या जो है वो आप पानी भी ले सकते हैं। और इसको हमने इस तरह से शेप दे देनी है रोल की तरह, ये देखें। आप पानी के जरिए भी जो है वो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको एक नेट पर रख देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। बस अब हम इसको एक नेट पे रखेंगे और स्टीम देंगे। बस हमने दोनों को नेट पर रख दिया है। यहाँ तक जो था हमारा प्रोसेस डिफरेंट था, ठीक है, दोनों तरीके से अरबी के पत्ते बनाने का। अब जैसे नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो बिल्कुल सेम है। अब स्टीम हमने इसको कैसे देनी है कि एक हमने पैन लेना है, उसके अंदर पानी बॉयल कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमने पानी जो है वो बॉयल कर लिया, उसके अंदर स्टैंड रखेंगे और अरबी के पत्ते रख देंगे। और अब हम इनको ढककर मीडियम फ्लेम पर जो है वो 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम दे देंगे। अब हम इनको 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। हम 10 से 20 या 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो इनको स्टीम देंगे। जब तक हमारे अरबी के पत्ते रेडी होते हैं, हम करी जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो हमें करी बनाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ऑनियंस। ऑनियन मेरे पास बड़े साइज़ का, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ, ठीक है, स्लाइसिस में, आप किसी तरह भी कट कर लें। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने रफली स्लाइसिस में कट किया हुआ है। मेरे पास स्पाइसिस में जो है सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, मेरे पास हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, मेरे पास गर्म मसाला पाउडर है 2 पिंच, ये लहसुन अदरक का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये ड्राई जो है मेरे पास कोरिएंडर है क्रश किया हुआ ये 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास जीरा है। तो चले अब हम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। करी बनाने के लिए हमने जो है वो एक पैन में ऑयल लेना है 6 to 7 टेबल स्पून, इसको गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हमने ऑनियंस ऐड कर देने हैं, और ऑनियंस को जो है वो हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गए, इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को जो है वो सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब हम इसके अंदर ये ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस भी हमारे फ्राई हो गए भून लिए हमने। अब हम इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, और इसको दम पे रख देंगे। जब तक हमारी करी रेडी होती है हम इनको चेक कर लेते हैं, इनको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो बस अब हम इनका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। हमें इनको बाहर निकाली, थोड़ा सा इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद जो हम इनकी कटिंग करेंगे। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको कट करेंगे। बस कट हमने इनकी राउंड शेप में इनको कट करना है, ठीक है। तो कट बस हम इनको इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये इस शेप में हम इनको कट कर लेंगे। दोनों को हमने इसी तरह कट कर लेना है।
टेबल स्पून जो है वो ऑयल लेना है और उसको गर्म कर लेना, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गर्म कर लिया है, अब बस हमने अपने जो पीसेज हैं वो इसके अंदर रखने हैं इस तरह से, ठीक है। सारों को हमने जो है वो इसी तरह पहले एक साइड से पकाना है और फिर जो है हम इसको दूसरी साइड से। हम जो है चेक कर लेते हैं कि साइड पलट कर हमने इनको जो है वो बार बार नहीं पलटना। तो ये देखें ये ब्राउन हो गए, ठीक है। अब हम सबको इसी तरह पलट लेंगे। साइड से सारे गोल्डन ब्राउन हो गए, ठीक है। तो सब हम इसको दूसरी साइड से भी पकने देंगे, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो गए। अब हम दूसरी तरफ अपनी करी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी करी भी रेडी हो गई है। बस अब हम क्या करेंगे कि इस करी को जो है वो अरबी के पत्तों के ऊपर स्प्रेड करेंगे। एक से दो मिनट के लिए बस इसे पकाएंगे। मिक्स हो गए, अब हम इनको दो मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा दो मिनट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए फ्राई हो गया। बस अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। हमने पानी ऐड कर लिया और बस अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए, फ्लेम ऑफ कर देंगे चेक कर लेंगे। तो ये देखें हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने इसको डिश आउट कर लिया है, ठीक है। और हम लोगों ने सिर्फ जो है वो 30 मिनट्स में सालन को रेडी कर लिया है। और मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो इजी लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इसको ट्राई करें तो इसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और जब आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है तो आप लोगों ने एक बात को जहन में रखना है कि जब आपने अरबी के पत्ते यूज़ करने उनको अच्छे से धो लेना है और ड्राई करना है। उसके बाद जो उनकी हार्ड वेन्स हैं उन सबको निकाल देना है, ठीक है। नहीं तो वो रोल नहीं बन पाएगा, ठीक है। जो आप शेप देना चाहेंगे वो नहीं बन पाएगी, हार्ड हो जाएंगी उसकी वजह से। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि अगर वो सेम साइज़ के नहीं हैं तो हम उनको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले मेथड में कोई इशू नहीं होगा साइज़ का, लेकिन जब हम पहले वाले मेथड से ट्राई करेंगे तो वहाँ पर इशू हो सकता था। तो उसका भी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से उसको एडजस्ट करना है। तो आप लोग खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।